इंडिया वालों रात कैसे हमने पाकिस्तान वालों को भैया लून मिर्च लगा के कैसे रगड़ा लगाया, अपने पड़ोसियों का हाल चाल पूछा है। विराट भैया जरा पट्टी पट्टी कर दो, उनका दुख थोड़ा बांट लो। सुन रहे हो बाबर भैया इंग्लैंड वालों की बातें? अबे यार रात जीत लेता तो हमारी भी इज्जत होती यार, तेरे से दोस्ती करके यार हम फंस गए यार, अब हम क्या बोलें यार, कुछ करो यार। छोड़ो विराट भैया, जब उनको कुछ नहीं है तुमको काहे को टेंशन। अबे पाकिस्तान वालों विश्व कप से पहले बेइज्जती करवाना जरूरी था। अबे भूतनी के ससुर वालों, किसने बोला कि इंग्लैंड से जाके खेलो, आराम से अपने घर बैठते। शिना का बूढ़ा दरीन को बेइज्जती से कुछ नहीं होता, इनको पता ही नहीं बेइज्जती क्या होता, ये लोग बेइज्जती को महसूस नहीं करता। अब देखो ना, हमसे पहले ये आयरलैंड से हार गया था, तब इनको कोई फर्क पड़ता? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे यार पाकिस्तान वालों शर्म करो, अबे अब तो बेइज्जती को भी बेइज्जती लगता है तुम्हारी बेइज्जती करने में। अबे भूतनी के कोई शर्म का घूट करो, मारो अबे भूतनी वालों, क्या करे विराट भैया, तुम भी इनसे दोस्ती पालता यार। रोहित भैया क्या करे, अब दोस्ती जो कर ली अब नभानी तो पड़ेगी। अबे यार बाबर भैया अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल करो, अगला एक दो मैच जीत लेना, हो सके तो मैच जीत के सिर जीत लेना, कुछ हमारा ख्याल करना। वाह मेरे दोस्त, एक ही मैच में तेरी हवा टाइट हो गई, अबे दोस्ती का ताना देने लग गया। अबे भूतनी की हिम्मत कर, हमको देख भैया हम कैसे शान से बैठे हैं, कोई फर्क है? अभी तो भैया दो मैच और हैं, वो भी हारने हैं, दिल बड़ा कर। अबे बाबर भैया छोड़ यार, रात थोड़ा सा बल्ला और चलाया होता। विराट भैया मैं तो बढ़िया कोशिश किया लेकिन मैं क्या करूं, उसके बाद कोई बल्लेबाज हमारा चला नहीं, इनका ये टोपली का बच्चा ससुर का नाति 3 विकेट ले गया इसलिए हम हार गए। अबे बस करो विराट भैया, ये बाबर साला होता मनुष्य यार, इसीलिए हम इसके नीचे वैस कप्तानी को कैप्टन को लात मार दिया, हम इतना बढ़िया गेंदबाजी किया लेकिन ये सारे बल्लेबाजों को लेके लुल हो गया। अबे बस करो पाकिस्तान वालो, चुप हो जाओ भूतनी वालो, तुम ना ही बोलो तो अच्छा है, मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है, खामखा मुंह फाड़ के यार तमा खराब करो। बाबर भैया अब आगे कुछ कर लेना ठीक है, ताकि हम भी थोड़ा खुश हो जाए आपकी। विराट बुरा दर फोकट में आस उम्मीद नहीं रखता, इसलिए भैया तू भी अपना मुंह बंद रखता, ठीक ही हम इनको पीलता अगले दोनों मैचों में, रात तो थोड़ा हल्का आराम से पीला, असल पिक्चर भैया आगे दिखाता। अबे चुप, तू तो चुप कर, जोस बल्टर की बच्ची बीच में खामखा टैंग टैंग कर रहा। अबे भूतनी के रात जीत गया था, विराट भैया मेरे दोस्त तो टेंशन नहीं ले, हम बढ़िया कोशिश करेंगे जीतने की, देख लेना। हाँ विराट भैया बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल कोशिश करेंगे जीतने की, ना जीते तो लाना तो बाबर के भैया थोपड़े पे पड़ी है, थोड़ी सी आप पर पड़ जाएगी, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, दोस्ती में इतना तो चलता है यार, अब नबाना। विराट भैया ले लिया मजा, इन भैया हरामियों से दोस्ती करके अब देखो लानत भी आपके थोपड़े पे भैया भेजेंगे, ये इनसे कुछ नहीं होगा, जीत बीत नहीं सके ये हारेंगे भैया, इसलिए अभी से इनको दफा करो यार। अबे रोहित भूतनी का मुंह संभाल के बात करता, ससुर करना थी हरामी होता तू। अबे भूतनी की आंखें फाड़ के देखता, अगला क्या उससे अगला मैच दोनों मैच हम अपने बलबोते पे अकेला जितवाएगा, कोहली भाई का भैया चेहरा चमका देगा। अबे यार पाकिस्तान इंडिया वाले तुम आपस में काय को लड़ता, इंडिया वालों तुमको क्या जरूरत थी इधर आने का, खम अपना बेइज्जती करवाता, और पाकिस्तान वाला तो पक्का दोनों मैच हमसे हारेगा, वो भी बुरे तरीके से हम पेलता। अबे चुप कर यार, हमको मशवरा देने दे पाकिस्तान वालों को, फिर भी यार हमारा भाई होता बाबर बुरा दराज से कुछ नहीं होने वाला, हम देख चुका हूँ और सामने नजर आ रहा है, इसलिए भैया कोई बहाना बनाओ खिसक जाओ। अबे बस साला बहुत हो गया, अब हमारा मजाक बनाना बंद करो, अब हम इंग्लैंड को ऐसे तोड़ेंगे, इंग्लैंड वाले खुद बोलेंगे कि भैया भूल के भी पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना, नहीं तो भैया इसे तोड़ते हैं जैसे हमको तोड़ दिया, रोएंगे ये। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।